नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उद्योग निदेशालय के द्वारा 10:30 बजे के करीब 30 सितंबर को एक समीक्षात्मक बैठक होने वाली है और ये उद्योग निदेशालय के द्वारा हर माह स्टेट लेवल का मीटिंग बैठाई जाती है। हालांकि इसमें मैं आपको बात करूंगा कि किस योजना पर काम होगा और किस योजना को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस योजना को लेकर के समीक्षात्मक बैठक बुलाई जाएगी। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो का लाइक 500 रखा गया है, उम्मीद है कि इस टारगेट को आप पूरा कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू देखेंगे। आप पत्रांक दिया हुआ है 3342 उद्योग निदेशालय बिहार पटना 22/9/2022 का एक नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया उद्योग विशेष सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना महाप्रबंधक सभी जिला उद्योग केंद्र बिहार, विषय दिया हुआ है आपका दिनांक 30 सितंबर। 30 सितंबर को पूर्वाहन 10:30 बजे से आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में इसे ये पढ़ना जरूरी है कि संबंध में सूचित करना है कि विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक प्रधान सचिव किसके बीच में होगा, तो प्रधान सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितंबर को पूर्वाहन 10:30 बजे से अधिवेशन भवन यानी पुराना सचिवालय में आहूत की गई है। उक्त बैठक में सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, यानी जितने विभाग के द्वारा यानी उद्योग निदेशालय के द्वारा, इसीलिए मैं थंबनेल पर लिखता हूँ उद्योग निदेशालय, तो उद्योग के डिपार्टमेंट से जितने भी वीडियो आता है उसको आप मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं काम का वीडियो ही मैं लाता रहता हूँ, फालतू की चीज़ मैं लाता नहीं हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो उक्त बैठक में सभी विभागीय योजनाओं के जितने भी उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही है उस पर समीक्षा की जाएगी। एजेंडा की 6 प्रति संलग्न है और किस किस एजेंडा पर बात किया जाएगा वो मैं आगे बात करूंगा। तो अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में पद स्थापित सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारियों यानी जितने उद्योग विस्तार पदाधिकारी है, अर्थ अन्वेषण कनीय सांख्यीय सहायक एवं हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर देखेंगे कि पत्रांक आपका दिया हुआ है 3342 और ये इतना लोगों ने इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे और ये तो फॉर्मेट रहता है। इसमें आप आएंगे नीचे की ओर आएंगे थोड़ा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि किस किस एजेंडा को लेकर के बात किया जाएगा। एजेंडा की मैं बात करूँ तो 30 सितंबर को आहूत विभागीय योजनाओं की राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल का मीटिंग होता है और ये समीक्षात्मक बैठक हेतु एजेंडा क्या है। एजेंडा है कि बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, जितने भी बैंकर्स हैं उसके साथ, और बैंकर्स के साथ योजना में आपका समीक्षात्मक बैठक में पीएमईजीपी योजना हो गया, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम यूनियन योजना हो गया यानी पीएमएफएमई योजना। इसके बाद है आपका बुनकर मुद्रा योजना यानी पीएमईजीपी योजना हो गया, पीएमएफएमई योजना हो गया, बुनकर योजना हो गया। इसके अलावा एसआईपीबी अंतर्गत बैंकों से लंबित आवेदन पत्र, जितने भी एसआईपीबी के अंतर्गत बैंक में लंबित आवेदन पत्र है उसको भी समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया जाएगा। दूसरा बात है कि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के साथ समीक्षात्मक बैठक, आपका महाप्रबंधक जितने भी जिला उद्योग के महाप्रबंधक है उनके साथ होगा, उस पर क्या चीज़ का किस योजना पर बात किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यम योजना यानी SC ST जो 4 प्रकार की योजनाएं चलती है ना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना यानी
सोझे कंबाइन बात करूं तो उद्यमी योजना पर बात किया जाएगा। एक है कि जिला उद्योग नव प्रबंधक योजना, PSU आधारित क्लस्टर योजना, इसके बाद मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, SIPB से संबंधित बिंदु, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र, ये सब पर चर्चा किया जाएगा। अब इसमें जो उद्यमी योजना को लेकर के इसमें जो चर्चाएं यहाँ पे बोली जा रही है, तो इसमें उम्मीद है कि बहुत सारा लोगों का पहला पेमेंट भी नहीं आया है, तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही इसमें और भी निर्णय लिया जाएगा कि ट्रेड चेंज को लेकर के, कि ट्रेड चेंज में जिन लोग भाइयों का स्तर परिवर्तन के लिए स्वीकृति होता है, तो देखिए ट्रेड चेंज क्या है कि जिला उद्योग केंद्र अगर चाह ले तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। पिछले ही जो बैठक हुआ था 30 तारीख को, उसमें निर्णय लिया जा चुका है, और उसी में जो समीक्षात्मक बैठक हुआ था ना, उसी में बताया गया था कि जो अगला हम लोग का एजेंडा इस पर और भी आगे होना है। और बहुत सारों का अभी जो कितना का लिस्ट को लेकर के है कि अभी किसी लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत पहलू है। और आपका भी जो भी समस्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं अपनी समस्या को, ताकि देखिए ये जो BST ऑल टिप चैनल है ना, उद्योग डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग भी इसको गाइड करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो कमेंट में आप क्या करेंगे सर, अपनी बातों को रख देंगे, तो ये प्रक्रिया क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी आपका समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप अपनी बात को अपने मन में दबाए रखने से क्या फ़ायदा होगा। हो सकता है कि उद्योग डिपार्टमेंट जब BST ऑल टिप्स आप टेलीग्राम भी है, वहाँ पर देखते हैं कि उद्योग डिपार्टमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है, जो 1700 के करीब उसमें सब्सक्राइबर है, टेलीग्राम BST ऑल टिप्स उसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें है। तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी समस्या है तो वो हमारे पास भी एक रहेगा कि भाई ये समस्या है, आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा, और आपका दुख दर्द मैं समझता हूँ। तो आपका जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस कमेंट बॉक्स को रीड करूँगा, और जो भी समस्या होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, और हो सकता है कि उस बात पर मैं उद्योग डिपार्टमेंट को मैं मेल कर दूँगा, तो वो इस समीक्षात्मक बैठक में बात किया जा सकता है। जैसे पिछले ही बार बहुत सारे लोग कह रहा था कि सर मेरा जो पेमेंट अभी नहीं आया है और बैंक अकाउंट मेरा गलत हो गया था, तो उसमें क्या है सर, मेल जब करने से हो सकता है कि आपका समस्याओं को वहाँ पे रखा जाए। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इंतजार करना है जब समीक्षात्मक बैठक आता है, तो आप जो समीक्षात्मक बैठक आज बुलाई जाएगी 30 तारीख को बुलाई जाएगी, तो एक तकरीबन जो है ना 8 से 10 दिन में ये PDF हमारे पास आता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो डाल दिया और बस लगे भाई PDF लाओ समीक्षात्मक बैठक में क्या हुआ, तो ऐसा नहीं है सर, आपको धैर्य रखना है। और मैं ये जो कोई दबाव देता है ना, मैं दबाव में बताइए, दबाव में कोई काम करने का मन करता है क्या? इसलिए टेंशन फ्री हमको छोड़िए, और देखिए और भी जो भी अपडेट होगा, मैं एक भी अपडेट आपको मिस नहीं होने दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। ये PDF अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और #3342 जो ही टाइप करेंगे तो ये PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।